आज हम फ्लाई करने वाले हैं एयर इंडिया के A350 में। A350 का जो लुक है ना वो कमाल का है, एंड ये जो है ना सारे एवगिक्स हैं जो आज A350 को एक्सपीरियंस करने आए हैं। ऑल्सो दिखाऊंगा एयर इंडिया का नया यूनिफॉर्म जो कि मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। यहाँ पे गाइस देख लो बैनर के साथ जो है फोटोग्राफी चल रही है। फाइनली गोइंग टू बोर्ड इंडियाज फर्स्ट एयरबस 350। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। मतलब है तो बिजनेस क्लास लेकिन पूरा प्राइवेट स्वीट वाला फीलिंग मिलेगा आपको। बिजनेस क्लास ना बहुत जबरदस्त बना है। एयर इंडिया की जो A350 है ना वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, तो इस पे ना आप आराम से कंधा रख के ऐसे सो सकते हैं। इसका वॉशरूम ना A380 से भी ज्यादा अच्छा है। सो फाइनली वी आर लैंडिंग इन मुंबई। ये वैसे ईयरफोन जो इन्होंने दिया ना इसका सिर्फ एक ही साइड काम कर रहा है। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु टर्मिनल 2। आज है 22 जनवरी। मैं कोशिश करूँगा कि आज का व्लॉग आप आज ही देखो। आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक क्योंकि आज दो बहुत ही खास चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले जो सभी लोगों को पता होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, एंड दूसरा स्पेशल चीज़ जिसके लिए मैं अपने कज़िन की शादी का काम छोड़ के यहाँ पे एक दिन के लिए बैंगलोर आया हूँ वो है एयर इंडिया का A350 इनॉग्रल। आज हम फ्लाई करने वाले हैं एयर इंडिया के A350 में जो कि इंडिया का पहला एयरबस 350 है। फ्लाई करने वाले हैं फ्रॉम बेंगलुरु टू मुंबई। ये जो है ऑफिशियली फर्स्ट फ्लाइट है। ऑल्सो इस वाले व्लॉग में आपको एयरबस 350 की हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सीट्स किस कंपनी की है, बिजनेस क्लास किस तरह का है, मिनी बार जो बनाए वो कैसा है क्योंकि एयर इंडिया पहली बार अपने फ्लाइट में बार बनाने जा रहा है। इंटीरियर्स ना बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, एंड फिलहाल मैं हूँ बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 2 में। टर्मिनल नंबर 2 ना मतलब किसी गार्डन से कम नहीं है। मैं आपको ऊपर जाकर टर्मिनल दिखाता हूँ सबसे पहले, फिर चेक इन वगैरह करते हैं, देखते हैं एयर इंडिया ने आज क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स करे हैं आज के इस इनॉग्रल फ्लाइट के लिए। फ्लाइट है अपनी सुबह 7:05 पे। राइट नाउ इट इज़ 3:35। कोई चेक इन लगेज वगैरह है नहीं, मैं फिर भी जल्दी आ गया क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। एंड मैं बता दूँ एयरबस 350 ना वन ऑफ माई फेवरेट एयरक्राफ्ट है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसका जो लुक है ना, जो उसके शार्कलेट्स हैं और जो उसका नोज़ है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल है ना किसी गार्डन से कम नहीं है, आफ्टर ऑल वी आर इन द गार्डन सिटी। फिलहाल चलते हैं अंदर चेक इन के लिए, देखते हैं काउंटर्स वगैरह कितने अच्छे से उन्होंने सजाए हैं। एंड ये कुछ है यहाँ का टर्मिनल 2 का डिपार्चर्स। सो फाइनली एंटर टर्मिनल 2। अपना जो चेक इन है वो चल रहा है आइलैंड डी पे, एंड मैंने वैसे तो बोर्डिंग पास प्रिंट करा लिया बट फिर भी बढ़िया वाला बोर्डिंग पास लेंगे, हार्ड वाला। ये कियोस्क वाले से काम नहीं चलेगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेमोरेबल फ्लाइट। अच्छा, चेक इन चालू होने में थोड़ा सा टाइम बचा है। देखिए फ्लाइट इनॉग्रल हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हो रही है, जैसे एयर इंडिया का जो नया कलर है, जो नया लिवरी है वो आज देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो कि एयर इंडिया के प्रीवियस रेड कलर एंड विस्तारा के ऑबरजीन कलर का एक मिक्सचर है। ऑल्सो दिखाऊंगा एयर इंडिया का नया यूनिफॉर्म जो कि मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, जो सेलिब्रिटीज लहंगे बनवाते हैं ना उनसे यूनिफॉर्म बनवाया। सो दिस इज़ दी चेंज टाटा इज़ ब्रिंगिंग। बाकी इंटीरियर्स वगैरह खाना वगैरह ये सब तो रहेगा ही। चेक इन कह रहे हैं 4 बजे चालू होगा। सो बस एग्जैक्टली 4 in the morning एंड चेक इन हैज़ स्टार्टेड। हालांकि काउंटर्स वगैरह इन्होंने डेकोरेट नहीं करे मगर बट क्योंकि एयरपोर्ट इतना अच्छा है ना तो डेकोरेशंस की अलग से ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो है ना सारे एवगिक्स हैं जो आज A350 को एक्सपीरियंस करने आए हैं। फाइनली गॉट द बोर्डिंग पास, एंड बोर्डिंग पास का लुक भी देखिए बहुत ही अलग है, जो नए लिवरी है ना उससे इंस्पायर्ड है। वैसे सजावट ना किसी और एयरपोर्ट पे ज़रूरत है मगर इस एयरपोर्ट पे शायद ही कभी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एयरपोर्ट के एस्थेटिक्स इतने अच्छे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह आपको बहुत ही प्यारे प्लांट्स दिखेंगे।
चलिए जी, सिक्योरिटी चेक इज़ डन, जिसके लिए समय लगा मात्र 5-10 मिनट। एंड चेक इन एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो गुड। अभी वो कह रहे थे कि कुछ स्पेशल है आपके लिए, आप गेट पे जाके डायरेक्टली देखना। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स आवर गेट D8। वैसे बता दूँ, आज का अपना ऐतिहासिक फ्लाइट नंबर है AI 589। इन कमिंग टाइम अगर आपको फ्लाई करना है, ये सेक्टर्स आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएंगे। अगर आपको A350 के मज़े लेने हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं तो खैर जब एमिरेट्स में जा रहा था, तो मैंने बोला था कि A350 का मज़ा मुझे लेना है आज, एंड आज वो दिन आ ही गया। ऊपर जो है 080 लाउंज है, जहाँ पे जाने की औकात फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। ये वैसे हैं इंडिया की पहली A350। यहाँ पे बाय द वे देख लो, तैयारी जो है ना जोरों शोरों से चल रही है। A350 का जो लुक है ना, वो कमाल का है। यहाँ पे मीनवाइल ना मैंने काम भी चालू कर दिया ताकि मुंबई पहुँचते ही वीडियो लाइव हो सके। वैसे अगर आप पूछते हो कि A350 में ऐसा क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो एयरबस इज़ अ लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। बोइंग का नाम धीरे धीरे ना ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में ही मिल रहा है, क्योंकि उनकी प्लेन्स आ नहीं रही। 777X वही चल रहा था, पता नहीं कब आएगी। तो उनका जो है सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है A350। हालांकि मुझे लग रहा है कि A350 जो 1000 है ना, उसका लुक ज़्यादा सही है, मतलब थोड़ा लंबा है ना तो बढ़िया लगता है। एयर इंडिया के जो ऑर्डर है वो मैं बता देता हूँ, 20 एयरबस 350-900 और 20 एयरबस 350-1000। 900 और 1000 के लेंथ में जो है डिफरेंस है, एंड बाकी रेंज वेंज भी दोनों की थोड़ी सी अलग अलग है। और जो सीटिंग कैपेसिटी है इस एयरबस 350 में, वो है 24 तो बिजनेस क्लास सीट्स हैं, जो कि फुल फ्लैट बेड सीट्स हैं, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीट्स हैं। एंड 18 शायद इसमें प्रीमियम इकॉनमी है, एंड 264 आई गेस इकॉनमी सीट्स होंगी। टोटल मिला के कुछ 318 आता है आई गेस। एंड इसकी जो रेंज है ना, वो लगभग 15,000 किलोमीटर है, जो कि दुनिया के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए काफ़ी होता है। इनफैक्ट इन फ्यूचर यही फ्लाइट जो है बैंगलोर, लंदन, बैंगलोर, न्यूयॉर्क, ये सब ऑपरेट करेंगी। एंड अभी फ़िलहाल क्रू को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे ही डोमेस्टिक पे उनका ट्रेनिंग हो जाता है, उनको लगता है कि दे आर रेडी विद द एयरक्राफ्ट, तुरंत जो है वो इंटरनेशनल चालू कर देंगे। ऑल्सो कैबिन क्रू को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सेट होने में। जो पायलट्स हैं उनका जो ट्रांजिशन क्लास होता है फ्रॉम A320 टू A330 या A350, वो ज़्यादा टाइम का नहीं होता, हफ्ते भर में हो जाता है। और एयर इंडिया के बारे में अगर बात करें, तो देखिए टाटा टेक ओवर के बाद ज़बरदस्त चल रहा है काम। 470 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर, मतलब जो कि शायद कहीं भी और पॉसिबल नहीं है, वो उन्होंने करके दिखाया। दुनिया में इतना ऑर्डर, लार्ज ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं हुआ है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। प्लस इन सब चीज़ों को जो है वो सुधार रहे हैं, यूनिफॉर्म सुधार रहे हैं, खाना फिर सर्विस थोड़ा सुधार रहे हैं। कुछ उनकी पुरानी एयरक्राफ्ट्स है, जो A321 है, A320 है, कुछ पुराने बोइंग 787 है, उनमें मेंटेनेंस थोड़ा बहुत ठीक नहीं है। बट द फ्यूचर एज ऑफ एयर इंडिया इज़ गोइंग टू बी वेरी वेल, क्योंकि एयर इंडिया यानी अपना महाराजा एक ऐसा एयरलाइन है जिसने एयरलाइन ट्रैवल को लग्जरी बनाया। पहले वही था कि बस की तरह टिकट लेके बैठ जाओ प्लेन में और फिर उतर जाओ, मगर एयर इंडिया ने जो है ट्रैवल को लग्जरी बनाया। उन्होंने ही दुनिया को दिखाया कि बिजनेस क्लास की सर्विस कैसी होती है। एंड जब प्रीवियस ईयर्स में बात करें एयर इंडिया की, तो तब ऐसी सर्विस मिलती थी जो आज के दिन वर्ल्ड के बेस्ट एयरलाइंस भी ना दे सके। यहाँ पे गाइस देख लो, बैनर के साथ जो है फोटोग्राफी चल रही है। फाइनली यहाँ पे गॉट दिस फोटो, जो कि वहाँ पे खिंचा रहे थे। ये चीज ना मुझे एयर इंडिया की बहुत बढ़िया लगी। गाइस फाइनली आवर कैप्टन इज हियर। फाइनली गाइस एट 6:15 द बोर्डिंग हैज स्टार्टेड। फाइनली गोइंग टू बोर्ड इंडियाज फर्स्ट एयरबस 350। अलग ही एक मजा आ रहा है, सोच रहा हूँ भाई एयरक्राफ्ट कैसा होगा। हालांकि थोड़ा सा मैं इंटीरियर से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इंटीरियर का काम थोड़ा और अच्छा हो सकता था, मूड लाइटिंग वगैरह, जो कि विस्तारा में बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। मीनवाइल मैं बता दूं, आज के इस फ्लाइट के लिए मैंने पे किए ऑलमोस्ट 7,000 रुपये। मतलब जब शुरू हुई थी इतने बुकिंग्स हुए ना कि इसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया, एंड प्रीमियम इकॉनमी एंड बिजनेस क्लास बिल्कुल फुल हो गई, क्योंकि सबको मज़े लेने हैं फ्लैट बेड्स के, जहाँ वो डोमेस्टिक सेक्टर में चल रही है एंड एक अच्छे अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपको वो एक्सपीरियंस दे रही है।
तो मैं ये कह रहा था कि जो 350 का नोज़ है ना वो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, एट फर्स्ट दिस एयरक्राफ्ट फीचर्स कॉलिन्स एयरस्पेस हॉरिजॉन बिजनेस क्लास सीट्स, एंड ये जो है आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास सीट्स जैसी हैं। मतलब है तो बिजनेस क्लास लेकिन पूरा प्राइवेट स्वीट वाला फीलिंग मिलेगा आपको। बिजनेस क्लास ना बहुत ज़बरदस्त बना है, एंड द कॉन्फिगरेशन हियर इज 1-2-1। सब सीट्स में डायरेक्ट एल एक्सेस है। नमस्ते मैम। एंड देन द एयरक्राफ्ट फीचर्स 242 कॉलिन्स एरोस्पेस MIZ सीट्स। ये जो है ना प्रीमियम इकोनॉमी है, एंड ये सीट्स आपने विस्तारा के बिजनेस क्लास में देखी होंगी इसी टाइप की। ये भी काफ़ी बढ़िया है। एंड फाइनली वी हैव द इकॉनमी हियर। हाय, नाइस टू मीट यू। सो इसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको 333 का मिलता है, एंड ये जो सीट्स है ना ये है कॉलिन्स एरोस्पेस एस्पायर। माय सीट इज 23A। बाकी A350 ना बहुत ज़बरदस्त है। एयर इंडिया की जो A350 है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। लाइटिंग वगैरह देखिए, एकदम ब्राइट वाइट लाइट्स हैं, एंड हर सीट में जो है आपको यहाँ पे बड़ी सी पैनासोनिक की इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट मिल जाती है, IFA स्क्रीन्स। बाकी ये कुछ है आपके ओवरहेड बिन्स, एंड काफ़ी बड़े हैं। एंड ये जो कलर है ना, कलर कॉम्बिनेशन है ना, वाइट का रेड का थोड़ा सा ग्रे का, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अच्छा गाइस, इंटीरियर्स देखते हैं। सबसे पहले यू हैव दिस पैनासोनिक IFE। इसमें जो है बहुत लैंग्वेज के ऑप्शन हैं, सो IFE पे बाद में आते हैं एक बार फ्लाइट उठ जाए। यहाँ पे एयरलाइन लिटरेचर है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड, एयर सिकनेस बैग, एंड यू हैव द एयर इंडियाज न्यू मैगजीन। दिस इज दी ट्रे टेबल। एंड बाकी ना ये जो चीज़ है ना ये डिजिटल है, ये बाकी में नॉर्मल लाइट जैसी आती है, ये डिजिटल चीज़ है। एंड यहाँ पे आपके रीडिंग लैम्प देख लीजिए कितने अच्छे हैं। बाकी AC वेंट्स ऐसे होते हैं, रीडिंग लैम्प ना काफ़ी अच्छे लगे। एंड बाकी दिस लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। कुछ ऐसा होने वाला है बाय द वे आज का अपना व्यू। वैसे बात करें सीट्स की तो सीट्स आर प्रेटी मच कंफर्टेबल, स्पेशली 10-12 घंटे के फ्लाइट के लिए। यहाँ पे जो है ना आपके ये एडजस्टेबल हैं, ये जो पीछे हैं, तो इस पे ना आप आराम से कंधा रख के ऐसे सो सकते हैं। बाकी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू टेक ऑफ, यार क्या वो व्यूज़ मिलेंगे बढ़िया वाले। एंड ये जो है ना ये टच स्क्रीन है, इसका कोई रिमोट फिलहाल मुझे मिल नहीं रहा, ये ना पूरा टच स्क्रीन है। जैसे यहाँ पे तरह तरह के मूवीज़ के ऑप्शन है, एंड इट्स अ फुल फ्लाइट लोड। एवगिक्स इतने हैं ना कि भाई फ्लाइट फुल है पूरी, तो बोर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, जो एरियल डिस्टेंस आज हम कवर करें दैट इज़ समवेयर अराउंड 850 किलोमीटर्स इन अ फ्लाइंग टाइम ऑफ 1 hour and 30 minutes। बाकी बहुत कुछ बताना है एयर इंडिया के बारे में, A350 के बारे में, एंड बहुत कुछ दिखाना है एयर इंडिया का। बाकी देखते हैं सर्विस वगैरह कैसा होता है। जो म्यूज़िक वगैरह बज रहा है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आई थिंक विद इन अ वेरी शॉर्ट वाइल हम पुश बैक कर लेंगे। गुड बाय करते हैं बेंगलुरु को, और आप एंजॉय करिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक ऑफ।
अच्छा एक बारी ना इनका IFE देख लेते हैं ब्रेकफास्ट से पहले। सो वी हैव जस्ट क्रॉस्ड आनंदपुर एंड ये जो है मैप्स को जैसा है इसमें भी आपको अलग अलग व्यू मिल जाएंगे। तो देख ही रहे हैं बहुत तरह के व्यूज़ अवेलेबल है। इनफैक्ट A380 में इतने सारे ऑप्शंस नहीं है तो ये IFE ना बहुत ज़बरदस्त है। सो यहाँ पे आप पहले ऑप्शंस देख लो। सबसे पहले है कि एयर इंडिया क्या रेकमेंड करती है, फिर है मूवीज़। मूवीज़ का कलेक्शन ना बहुत ज़बरदस्त है, जैसे नई नई मूवीज़ भी कुछ कुछ रख रखी हैं, टीवी शोज़ हैं, ऑडियो है, फिर है आपका किड्स जोन, किड्स के लिए भी कुछ ऑप्शन है, कुछ गेम्स हैं, एंड फाइनली सब एफगिक्स का जो फेवरेट पार्ट, ये फ्लाइट के मैप्स जो मैंने आपको अभी दिखाए। बाकी देख लीजिए दृश्यम 2 एंड कह सकते हैं कि कलेक्शन जो है ना No, I just wanted what I got it. Thank you. Pushpa, फिर मतलब नई नई मूवीज़ हैं एंड आई होप कि इन अपकमिंग टाइम मूवीज़ और ऐड होंगी, जैसे हॉलीवुड की भी मूवीज़ हैं, कुछ कुछ एक्शन मूवीज़ हैं। ज़बरदस्त इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है। यहाँ पर आप जॉनर्स देखिए बस, यहाँ पे वी आर क्लाइंबिंग एट ऑलमोस्ट 33,000 फीट एंड ग्राउंड स्पीड अपना देख लीजिए, इट इज़ 570 माइल्स पर आवर विच इज़ नियरली 900 किलोमीटर्स पर आवर। वैसे यहाँ पे देख लो एक डिस्पोजेबल हेडसेट है ताकि आप IFE में मूवीज़ वगैरह देख सको। जस्ट टू शो यू द क्वालिटी, मैं एक मूवी प्ले कर रहा हूँ दृश्यम 2। क्वालिटी ना काफ़ी अच्छा है एंड इनका जो IFE है ना बहुत ज़बरदस्त है। ये वैसे ईयरफोन जो इन्होंने दिया ना इसका सिर्फ एक ही साइड काम कर रहा है एंड साउंड क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है। वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है मगर साउंड क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। फाइनली गाइस द ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड एंड मुंबई पहुंचने से जस्ट पहले हुआ है, पता नहीं कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने लिए नॉन वेज ऑप्शन, इसमें जो है एक ऑमलेट है, थोड़ा सा इसमें बॉइल्ड कॉर्न है, यहाँ पे एक पोटैटो कुछ है और साथ में एक सॉसेज दे रखा है। ऑल्सो ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बो बटर एंड ब्रेड एंड वन योगर्ट, दैट्स इट। खाना जो है ना काफ़ी बढ़िया है मगर काफ़ी लेट सब हुआ है एंड वो प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं जितना मेरे को पहले एयर इंडिया में मिल चुका है। भाई बाहर आप नज़ारे देख लो, इसका वॉशरूम ना A380 से भी ज़्यादा अच्छा है। क्या ज़बरदस्त वॉशरूम बना है, यहाँ पे भी कप है एंड एमिरेट्स A380 वाली वीडियो से मेरे को पता चला ये वो माउथ वॉश करने के लिए है। बाकी यहाँ पे वाटर टैप देख लीजिए, एक सोप दे रखा है, बाकी तो नॉर्मल सा है, बट ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा फैंसी लगी। खाली है बट इन फ्यूचर आपको कुछ एमिनिटीज मिलेंगी अच्छी अच्छी। यहाँ पे एक बेसिनेट टाइप का है, अमेजिंग यार A350 इज़ रियली अमेजिंग। बाकी एक यहाँ पे कोट हैंगर है एंड मतलब यहाँ पे नो स्मोकिंग फ्लाइट है, फिर भी मतलब दे रखा है कि अगर गलती से पी भी लिया तो भाई यहाँ पे डाल देना। बाकी ये कुछ लॉक है एंड सब कुछ यार बहुत ही ज़्यादा चकाचक है। अच्छा जी ब्रेकफास्ट इज़ डन, ओवरऑल चीज़ों के रिव्यू जो है मैं लैंडिंग के बाद देता हूँ एंड काफ़ी जल्दीबाजी में करना पड़ा क्योंकि मुंबई ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो आप एंजॉय करिए एक बहुत ही बेहतरीन लैंडिंग टाइम लैप्स। ये तो नहीं पता
फाइनली वी आर लैंडिंग इन मुंबई। सुबह के जो है 9:15 हो रहे हैं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में आपका स्वागत है। एंड एज यूजुअल है वाटर कैनन, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि डिलीवरी फ्लाइट में इसको मिल चुका था। डीप प्लेन करके शेयर करता हूँ थोड़ा सा डिटेल्ड रिव्यू ब्रेकफास्ट वगैरह का एंड ओवरऑल सर्विस का, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी अच्छी थी एंड कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई। अच्छा, यहाँ पे मेरे को पैसेंजर है सुयोग दाना सेलिंग। तो ओके, तो बताइए कैसा लगा आपका A350 का एक्सपीरियंस? अच्छा लगा। हाँ, फर्स्ट टाइम इंडिया में A350 में ट्रैवल किया डोमेस्टिक। इसके पहले सिंगापुर एयरलाइंस में किया था। हाँ, बट इसका एक प्रोडक्ट इज मोर रिफाइन। ओके, मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम द हार्डवेयर प्रोडक्ट इज मोर रिफाइन देन सिंगापुर, बिकॉज यू नो दैट वाज 2018 एंड दिस इज 2024। हाँ, सो बहुत इम्प्रूवमेंट्स है, बट सर्विस वाइज वी वर द गिनी पिग्स। फूड वॉज नॉट गुड। हाँ, यस, सर्विस वॉज डिलेड। आई एम नॉट होल्डिंग अगेंस्ट देम बिकॉज इट्स ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लाइट, सो होपिंग फॉर द बेस्ट, बट आई हैड बेटर फूड इन इंडिगो देन एयर इंडिया। ओह या, दैट्स करेक्ट, सो दैट शुड हैव बीन पॉइंट ऑफ कंसर्न। एंड वन हार्डवेयर रिलेटेड इशू, माय charging point is not working for my row, but for your row it was working, so it's a brand new aircraft, this thing should not happen. Okay, thank you so much. Thank you. और यहाँ पे जो है अपने एरो ब्रिजेस वगैरह कनेक्ट हो रहे हैं दो दो। बाय, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर। एक एक करके अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे थे, हालांकि जो सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो है ना वो अभी आया नहीं, कैप्टन का वॉइस ठीक से नहीं आ रहा था, ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आज के दिन तो एयर इंडिया को विंडो साफ़ करानी चाहिए थी, क्योंकि 150 से 200 तो सिर्फ एफगिक्स ही आए आपके प्लेन में उड़ने के लिए, तो उनको आप डिसअपॉइंट ऐसे कर रहे हो। कैबिन क्रू जो है मतलब ठीक से प्रिपेयर नहीं थे इस फ्लाइट के लिए, उन्होंने मील सर्व करी मतलब लगभग यहाँ पे ये जो पेन वैन के आसपास, हमें ब्रेकफास्ट सर्व करी गई जब कैप्टन का अनाउंसमेंट हो गया कैबिन क्रू प्रिपेयर द कैबिन फॉर लैंडिंग। बाकी ब्रेकफास्ट का प्रेजेंटेशन क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बट हाँ टेस्ट ठीक है, टेस्ट वाइज ठीक है। ऑमलेट ठीक था, सॉसेज थोड़ा एवरेज सा था, पोटेटोज बहुत अच्छे थे, लेकिन यार आप 1.5 घंटे से ज़्यादा जिसका फ्लाइट टाइम है उसमें चाय कॉफ़ी नहीं दे रहे हो, ब्रेकफास्ट दे रहे हो मुंबई आते वक्त, वो काफ़ी गलत है। तो सर्विस वाइज आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम एयर इंडिया, बट एंड कैबिन क्रू को भी क्या बोलना, क्योंकि उनका जो है पहला दिन है आज। एंड फाइनली वेलकम टू मुंबई एयरपोर्ट। बाकी लैंडिंग भी ना थोड़ी सी हार्ड थी, खैर कोई बात नहीं, दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन एयरबस 350। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा एयरलाइंस के साथ इसमें बैठ पाऊँ, खास करके A350-1000 वाला, क्योंकि वो ना दिखने में काफ़ी बढ़िया है। अब ये बात है कि अगर आप बैंगलोर का टर्मिनल 2 देखोगे उसके सामने मुंबई कुछ लगेगा ही नहीं। बाकी A350 इज़ अ वेरी नाइस एयरक्राफ्ट, बोइंग 787 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, एंड जिस हिसाब से बोइंग का काम चला हुआ है मुझे लग रहा है कि A350 एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बनेगा फ्यूचर में। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एयर इंडिया ग्रो करे, मगर ये सर्विस वगैरह थोड़ा और सुधारे, खास करके जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं ना उनको रेनोवेट करें, क्योंकि उनकी हालत ना काफ़ी बुरी है। फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे अराइवल हॉल में, ये देख लो मुंबई का अराइवल हॉल। अराइवल हॉल काफ़ी अच्छा है, डेकोरेटेड है, मगर वही बात है कि बैंगलोर के सामने तो फेल है, बेंगलुरु के सामने। बाकी काफ़ी गर्मी है मुंबई में, लगभग 25 डिग्री हो रहे हैं, मतलब कंपेयर टू आवर कोलकाता और मे बी दिल्ली, इनसे जो है काफ़ी गर्मी है। सो आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आपका ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चार्जिंग पॉइंट्स यूएसबी और सॉकेट दोनों थे ये मैं बताना भूल गया, एंड इंटीरियर्स ओवरऑल अच्छे ही लगे। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब भी फ्लाई करें तो बिजनेस क्लास में फ्लाई कर पाएँ। इतना चला देना इस वीडियो को, एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे में आपको थोड़े थोड़े दिखा दूंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।